और इंदौर से बड़ी खबर, मंदिर हादसे में चार महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं। मंदिर में बावड़े की छत धसने से ये बड़ा हादसा हुआ और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, चार महिलाओं के शव यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, चार महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं। हवन कर रहे 25 लोग 40 फीट नीचे इस बावड़ी के धंसने से गिर गए। अब तक 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तमाम टीम मौजूद है, मुख्यमंत्री खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं, महापौर अपडेट ले रहे हैं, प्रशासन नजर बनाए हुए है, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। और ऐसे में ये बड़ी खबर, चार महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं। तो देखिए, रामनवमी का ये पर्व, जिस दिन ये बड़ा हादसा हुआ, त्योहार का दिन है, इस दिन मंदिर में पूजा हवन करने के लिए लोग पहुंचे थे सुख समृद्धि की कामना करने, और इसी दौरान बावड़ी की छत धसी और ये बड़ा हादसा हो गया है। तो श्रद्धालुओं को रस्सी से ऊपर खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक ये खबर सामने आ रही है कि 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर, चार महिलाओं के शव अभी बरामद कर लिए गए हैं। अब तक खबर यही मिल रही थी कि कोई जनहानि नहीं हुई, हताहत किसी के होने की खबर नहीं थी, लेकिन ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मंदिर में जो हादसा हुआ, चार महिलाओं के शव, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, चार महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, निरंतर टीम प्रयास कर रही है कि सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, और ऐसे में अब तक 18 लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। तो दूसरी तरफ ये दुखद खबर भी मिल रही है कि चार महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ मौके से संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये दुखद खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मौके पर आप मौजूद हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जो पुलिस कमिश्नर है इंदौर के मिलिंद देउस्कर, उनसे वो कुछ यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी तक चार डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी SDRF की टीम कम से कम 2 से 3 घंटे और इसमें लगेंगे, और हमारे पूरे प्रयास फुल स्विंग में जारी है। सर, ये चार लोग कौन कौन? अभी मेरे पास मृतकों के नाम मेरे पास अभी नहीं है, उनकी अभी पहचान भी एटलीस्ट, क्योंकि उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल इस उम्मीद में कि वो जीवित भी हो सकते हैं, वो दो शिफ्ट किया गया। देखिए, अभी वो सर्च ऑपरेशन के बाद ही। चार में सर महिला पुरुष अगर? देखिए, दो महिलाओं की तो मैं पुष्टि कर सकता हूँ, बाकी दो जो हैं, एक उसमें से पुरुष है। सर, अभी कितने लोग अंदर हैं? अभी कितनी? देखिए, अभी उसके बारे में अभी मैं एकदम कुछ नहीं बता पाऊँगा, अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ पर, इतना मैं पुष्टि कर सकता हूँ। कितने लोग प्रभावित थे जब हादसा हुआ था, कितने लोग मौजूद थे? ये लगभग जो अभी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है उसके अनुसार 30-35 लोगों के बीच की ये संख्या रही है। सर, ओवरऑल अगर हम, सर, एक ये देखिए, जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं पुलिस के अधिकारी, और साफ तौर पर उनका कहना है कि चार शव फिलहाल यहाँ पर निकाले गए हैं, कुछ लोगों के अंदर होने की आशंकाएं और भी है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि यहाँ पर अभी संभावना ही, यानी कि जो लोग इस बावड़ी में थे उनकी संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है, चूंकि अभी भी फिलहाल ये ऑपरेशन पूरी तरीके से जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये संख्या कितनी पहुंचेगी, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं, इंदौर कमिश्नर हैं उनका, उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट किया है कि चार लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल पीयूष, चार लोगों के शव यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। पीयूष, एक बार अगर अपडेट आपसे पूरा लें तो कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं 20 से ज्यादा लोग अभी यहाँ पर हो सकते हैं निकाल लिए गए, 18 से